अभी आगे। हो गया ना? चलो। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा आवाज जरा के कंफर्म करना। हेलो हेलो, वैभव आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है ना? चलिए अंकित। यस चलो। तो गाइस, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है? जोरदार तरीके से तैयारी करेंगे एंड पूरे मार्क्स लेके घर पे जाएंगे। चलिए। सो हाय एवरीवन, शिवानी, डेड शॉट, डेड शॉट। अंकित, गुड नाइट क्यों बाहर भाई? अबा, गुड इवनिंग। चलिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। करना क्या है? अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है, डाउट पूछना है, सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है ताकि आपको भी मजा आएगा। खाली सेशन अटेंड मत करो, इंटरेक्ट करो, डाउट पूछ लो, ठीक है? चलिए। समय, गायत्री, हाय एवरीवन, भूषण, हाय। फाइल नहीं दिख रही क्या? ऐड करना रह गया, बाप रे। अभी चलो गाइस, शायद फाइल ऐड करना रह गया है क्योंकि ये मेरा स्टाफ एब्सेंट था तो मैनेज किया है, तो मैं कल आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। अभी मैं सब बता देता हूँ, डोंट वरी, आई विल मैनेज। चलिए। तो गाइस, जो फर्स्ट टाइम आए, वीडियो को लाइक करना है, बाकी क्या करना आपको पता छे, ठीक है? चलिए। चलो। सो हाय एवरीवन, पहला क्वेश्चन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, ध्यान दो सब लोग। अच्छा, पहले थोड़ा डिस्कशन करते। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 में चार सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सभी कंडीशंस दी है कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो क्या करना है। उसके बाद सेक्शन 17(5) इज ब्लॉक क्रेडिट, जिन चीज़ों का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड देन सेक्शन 18(1), ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमटेंसेस। ये तीन सेक्शन बहुत ही अच्छे तरह से पता होना जरूरी है, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये तीन सेक्शन आपके पास रेडी होना जरूरी है। अपन ने इसके चार्ट्स भी बनाए हैं, मेरे नोट्स, समरी नोट्स, वॉट एवर यू हैव प्लीज यूज दैट, ठीक है? चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं आपको सेक्शन का भी रेफरेंस देता हूं। पहला, अ ट्रेडर हु प्लेसेस ऑर्डर ऑन बी फॉर कंसाइनमेंट ऑफ सोडा ऐश, ए रिसीव्स बाइंग ऑर्डर फ्रॉम सी फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ सोडा ऐश, ए इंस्ट्रक्ट बी टू डीलर गुड्स टू सी एंड इन टर्न ही रेजेस इनवॉइस ऑन सी, डिटरमाइन वेदर टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल और नॉट। वॉट विल बी योर आंसर? विड योर आंसर डिफर इफ गुड्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द मोमेंट? ठीक है, सब बताता हूँ मैं। अच्छा, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल, अपन ने इसको प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, 10(1)(b), थर्ड पार्टी, याद है कुछ? ठीक है, तो पहले
क्वेश्चन वन, तो यह ए ट्रेडर जिसने ऑर्डर दिया था, किसको दिया था? बी, ठीक है, ए ने बी को ऑर्डर दिया था, तो बी सप्लाई करने वाला था, लेकिन सिमिलर ऑर्डर सी ने ए को दिया है ना? सी ने ए को सिमिलर ऑर्डर दिया कि मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो लॉजिकली ए ने क्या बोल दिया, ए ने बी को बोला कि तुम गुड्स डायरेक्टली सी को सप्लाई करो, गुड्स सी को डायरेक्टली क्या करो, सप्लाई करो, ठीक है, तो बी ने गुड्स सी को सप्लाई किए, ठीक है, नाउ इसको क्या बोलते हैं, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये जो गुड्स का मूवमेंट है ये बिफोर भी हो सकता है या ड्यूरिंग भी हो सकता है, याद है ना? ये अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि गुड्स का मूवमेंट पहले बोला तो भी चलेगा, या फिर मैंने क्लास में कहा था कि बी ने गुड्स ए को भेज दिए, इन ट्रांजिट भी सी को गए तो भी चलेगा। तो बोलो लॉजिकली बताऊं, पहला क्वेश्चन, बी बिल किसके नाम पे बनाएगा? ए, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, तो हु कैन क्लेम आईटीसी, है ना? तो पहला आंसर क्या होगा, ए कैन क्लेम आईटीसी। सबको समझा कि नहीं बताऊं, है ना? ए को उसका क्रेडिट मिलेगा, ऑनलाइन सबको समझा, रिप्लाई करो। नहीं, भूषण, ए बी को बताएगा कि तुम गुड्स सी को सप्लाई करो, सी ने ए को ऑर्डर दिया था, पहले ए ने बी को ऑर्डर दिया था, तो बी ए को ही सप्लाई करने वाला था, बट ए ने बोला रुक मेरे को सप्लाई मत कर, डायरेक्टली सी को सप्लाई कर, तो ए के कहने पे बी सी को सप्लाई करेगा, तो बिल ए के नाम पे बनेगा, गुड्स सी को मिलेंगे, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। एंड एंड आंसर डिफर होगा क्या? नहीं, आपने ड्यूरिंग मूवमेंट भी गुड्स ट्रांसफर किए, तो आंसर रिमेन सेम। यस, आंसर रिमेन सेम इवन इफ गुड्स ट्रांसफर ड्यूरिंग मूवमेंट। बोलिए, ऑनलाइन सबको समझा क्या? क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल। इसका पीओएस ए होगा, ये अपन ने पढ़ा था 10(1)(b) में, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन अगर याद है तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी कनेक्टेड है और आईटीसी भी कनेक्टेड है, ठीक है? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। चलो क्वेश्चन नंबर टू, कैन परसेंट टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई अलॉन्ग विथ टैक्स टू द सप्लायर? ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, मैंने आपसे मटेरियल लिया है और मैंने आपको अगर पेमेंट नहीं किया तो मेरे को आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं, अपन ने पढ़ा था कि पेमेंट ऑफ वैल्यू प्लस टैक्स मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम इनवॉइस। ये प्रोविजन है, याद है ना आपको, कि आपने मेरे को बिल दिया है, मैं अभी क्रेडिट तो क्लेम कर दूंगा, बट आई हैव टू पे यू विद इन हाउ मेनी डेज, 180 डेज, और क्या क्या पे करना है? बोलो, ओनली वैल्यू, ओनली जीएसटी, या बोथ? सब कुछ पे करना है ना? तो अगर पेमेंट 180 दिन में हुआ है
तो मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 100 डेज आई कैन नॉट अवेल ITC, मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। यस, इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज देन ITC नीड्स टू बी रिवर्स प्लस इंटरेस्ट एट 18% अंडर सेक्शन 50। बोलिए सब लोग समझा कि नहीं? मैंने ये शॉर्ट में लिखा है क्योंकि अपन रिवीजन मोड में है, एग्जाम में को थोड़ा अच्छे से एलोबरेट करके लिखना है। अगर पॉसिबल है तो सेक्शन लिखो एज पर सेक्शन 16। और मैंने आपको कहा है कि जब भी थ्योरी क्वेश्चन आता है आई वॉन्ट यूर आंसर इन टू पार्ट, वन इज लीगल प्रोविजन एंड सेकेंड वन इज कंक्लूजन। बस अभी हम रिविजन मोड में है इसलिए बस मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक आ ही जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? रिप्लाई करना सब लोग, समझा दो, तुमको समझा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑनलाइन, शैल वी गो अहेड? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 AK Limited Private Limited purchased machinery as on 20 July for units in Nasik worth Rs. 2,12,50,000 and GST 12% was levied. That is 1 lakh, that is 150. ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखते चलो। 150, thus total cost of machinery including taxes is 14 lakh. आई थिंक ये 12,50,000 कैसे चेक करना, कैसे है क्या, जरा करो। 12,50,000 का 12%, 12,50,000 का 12, हाँ तो ये 12,50,000 है भाई, ये चेंज कर लेना, इट इज 12,50,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 26 जुलाई, ठीक है। इन गिवन केस इफ AK प्राइवेट लिमिटेड हैज कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ मशीनरी including its tax component of Rs. 150, determine whether APK Limited shall be eligible to claim the ITC paid on purchase of machinery. Okay. Now, सब लोग question ध्यान से सुनना क्या बोला है। Question number 3 में क्या बोला है? Value of machinery है 12,50,000, उसमें GST एट 12%, 1.5 लाख आ रहा है ना बराबर, 1.5 लाख टोटल आ रहा है 14 लाख। अभी यहाँ पे सेक्शन अप्लाई करने को बोला है 16(3), सेक्शन कौन सा अप्लाई करने को बोला है, सेक्शन 16(3), एंड सेक्शन 16(3) क्या बोलता है? अच्छा अभी बताओ, आपने कैपिटलाइज 14 लाख किया या आपने 12.5 लाख किया, कुछ याद आ रहा है आपको? उन्होंने भी बोला है कि अपन ने GST का कंपोनेंट भी कैपिटलाइज किया है, मतलब मशीन के कॉस्ट में ऐड किया है, तो आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो फिर उसका ITC नहीं मिलेगा। तो आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे फिर ITC नहीं मिलेगा, या फिर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा तो ITC मिल जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। तो क्या लिखना है आपको, एज पर सेक्शन 16(3), एज पर सेक्शन 16(3) इफ GST अमाउंट इज कैपिटलाइज देन एसेस इज गोइंग टू क्लेम डेप्रिसिएशन, एंड इफ यू क्लेम डेप्रिसिएशन यू कैन नॉट अवेल ITC। बट अगर तुमने कैपिटलाइज नहीं किया, अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज करना, इसको फिक्स एसेट दिखाना है ना, कैपिटलाइज करना मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना। तो बोलिए सबको समझा क्या ऑनलाइन है ना, तो एग्जाम में ऐसे दोनों लिखना है। इज इट क्लियर ऑनलाइन, सब रिप्लाई करो फटाफट, तब तक मैं पीता हूं पानी। कैसे हो, एकदम मजे में देख रहे हो आज तुम,
ऑनलाइन रिप्लाई करो। आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, जो लोग अटेंड कर रहे हैं विथ कमिटमेंट अटेंड करना है, मैंने पहले कहा था इंटरेक्ट करना है, रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कंप्यूट आईटी से अवेलेबल फॉर अक्टूबर 23 का आईटीसी देखना है। अच्छा, आईटीसी के लिए कुछ कंडीशन, सेक्शन 16 एक बार रिवाइज करते हैं। 16(1) में बोला कि आप रजिस्टर पर्सन होने चाहिए, वो जो अपने इनपुट्स खरीदे इट शुड बी इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। 16(2) बोलता है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए एक्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल, उसमें रिसीव नहीं हुआ तो भी चलेगा। प्लस उसमें और ये बोला है कि अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब क्रेडिट मिलेगा। 16(3) क्या बोलता है? अच्छा, 16(2) में और है, सप्लायर ने रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जीएसटी पे करना जरूरी है। 16(3) मैंने अभी बता दिया, डेप्रिसिएशन। एंड 16(4) एट द मोस्ट क्रेडिट कब मिलेगा? अगले साल का 30 नवंबर या 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये नोट्स अगर आपने याद रखे, मैंने आपको चार्ट्स बनाने को बोला था, चार्ट अगर आपके सामने है तो एक मिनट का काम है। चलो, इनपुट ए 1 लाख, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल ऑफ 10,000 इज मिसिंग। सेकेंड, इनपुट बी 50,000, इनपुट्स आर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, कैपिटल गुड्स 120 उन्होंने कैपिटलाइज किया, उसका पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। एंड इनपुट सर्विस इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी 23, जीएसटी पेबल वॉज 50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन October 23, ऑल द कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड, मतलब सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल्ड है, इनको कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। एनुअल रिटर्न का डेट है 15 अक्टूबर 2024 चाहिए शायद। मेरे हिसाब से ठीक है, देखते हैं अपन। चलो ठीक है ना, चलो आप अभी एटलीस्ट पहले 3 ट्रांजैक्शन आप ट्राई करो, बराबर है। चलो बताओ पहले केस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट। इनपुट ए कितना है? 1 लाख, अभी उसका इनवॉइस मिसिंग है, क्रेडिट मिलेगा क्या? प्लस इनवॉइस मिसिंग 10,000, तो 90,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 90,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा क्योंकि उसका इनवॉइस मिसिंग है, बराबर है क्या? ऑनलाइन रिप्लाई करो सब फटाफट। सेकंड, इनपुट बी 2 इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, पहला इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में मिला है तो क्रेडिट अभी नहीं मिलेगा, जब सेकंड मिलेगा तब होगा, है ना? तो इनपुट बी आईटीसी नहीं मिलेगा बिकॉज ओनली 1 इंस्टॉलमेंट received in October 23, ठीक है? तो इनपुट बी का क्रेडिट नहीं मिलेगा अपने को, सही है क्या? चलो नाउ अभी तीसरा, इनपुट सी में क्या बोला है? उन्होंने उसको डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो तीसरा है कैपिटल गुड्स क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन जीएसटी अमाउंट, तो वो भी नहीं मिलेगा। मैंने हर एक आपको रीजन लिख के दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस भूषण, फुल अमाउंट देना जरूरी है,
नाउ फोर्थ एग्जांपल थोड़ा एनालिसिस करके करना है, जरा ध्यान से सुनना। पहले तीन क्लियर है? हाँ, अभी फोर्थ एग्जांपल में क्या बोला देखो, अभी वर्किंग अपन अक्टूबर का कर रहे हैं, ये बिल जनवरी का है ना। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, ये जो इनवॉइस है यह है 20 जनवरी 23, जिसका ITC हम लेना भूल गए हैं, तो अपन 23-24 में क्लेम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो व्हाट इज द लास्ट डेट एज पर 16-4? क्या लास्ट डेट? 30 नवंबर 2023, बराबर है। और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट, एनुअल रिटर्न का फाइल किया अपन ने 15 सितंबर को फाइल किया है, 15 सितंबर 23, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 15 सितंबर 23। तो लास्ट डेट आपने जो क्रेडिट क्लेम करना चाहिए था वो 15 सितंबर को करना चाहिए था। अभी अपन अक्टूबर महीने में है तो सितंबर मंथ खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपको ITC नहीं मिलेगा बिकॉज लास्ट डेट उसका खत्म हो चुका है। ये आपको समझा कि नहीं? मेरे को सबसे आंसर चाहिए, क्योंकि इनवॉइस 22-23 का है तो अपन ने पढ़ा था कि वो अगले साल आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, बट कब? 30 नवंबर या ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो वो है 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो एट द मोस्ट 15 सितंबर तक आपने ITC लेना चाहिए था, बट अभी तो अपन अक्टूबर में आ गए तो सितंबर खत्म हो गया, तो अभी ITC नहीं मिलेगा। सब लोग आंसर देंगे, क्या हाँ ठीक है, कोई ऑनलाइन क्लियर है? चलो तो लिखो इनपुट सर्विस, फोर्थ इज इनपुट सर्विस, नीचे लिखूंगा अमाउंट, सॉरी ITC नॉट अवेल्ड बाय 15 सितंबर 23। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े, तुमको समझ में आ गया? आप लोगों को क्या? आप दूसरा पढ़ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही पे फटाफट सॉल्व करेंगे, आप मेरे को आंसर देंगे ITC मिलेगा कि नहीं। बस 17-5 ब्लॉक क्रेडिट आपको पता होना जरूरी है। डिस्कस वेदर ITC इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी पार्ट्स नवंबर के लिए, तो नवंबर का वर्किंग करना है, कौन सा करना है? नवंबर का वर्किंग करना है। अदर देन ब्लॉक क्रेडिट, हर एक चीज का क्रेडिट मिलेगा, तो ब्लॉक क्रेडिट के नोट सामने रखो एंड 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है ऑनलाइन, आप मेरे को आंसर भेजो 1 2 3 4, मिलेगा तो यस लिखो, नहीं मिलेगा तो नो भेजो फटाफट। एक मिनट का समय है जो शुरू होता है, आप जल्दी करो, लड़ाई जोर में चालू है, लड़ाई जोर में चालू है, नहीं पढ़ाई नहीं चालू है, जाओ जाओ आराम से जाओ, अच्छा लगता है ना घर पे जाने का समय आता है तो। चलो ऑनलाइन आंसर भेजो, अंकित कार्तिक शिवानी अबा 1 2 3 4 सबके आंसर भेजो, आपको जो लगता है वो। हाँ बोलो, मार्केट रिसर्च का क्रेडिट मिलेगा क्या? मिलेगा ना, क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है,
सेकंड टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा, यस, क्योंकि ब्लॉक रेट में नहीं है. कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन बोला है. अपन ने पढ़ा था कि अगर वेकेशन पे आप टिकट निकाल गए तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. मैंने क्लास में ये भी कहा था कि वो ऑडिट के लिए जा रहे तो मिलेगा, बट ये घूमने जा रहा है, नो ITC. अकाउंटिंग ऑडिटिंग विपुल शाह सर की सर्विसेज, अरे मिलेगा. हेल्थ सर्विस फॉर एम्प्लॉयर, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस का नॉर्मली क्रेडिट नहीं मिलेगा. इफ इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ देन अवेलेबल, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा. सेल्फ प्रमोशन का मिलेगा. तो जरा टोटल बताओ कितना आएगा टोटल, 1, 2, 3, 4, इधर ही खत्म कर डालते हैं. ऑनलाइन आंसर बताओ. आभा, भाग्यश, शिवानी, थैंक यू सो मच, वैभव, वेरी गुड. ऐसे आप इंटरेक्ट करो, आपको ही मजा आएगा. 1,02,500, तो ऐसे 5-5 मार्क पूरे लेके आना है. आप न्यूमेरिकल की चिंता मत करना एग्जाम में, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स. बस मैंने कंडीशन बताया, जो मैंने लिया वो आपको आना चाहिए, बस उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं. सब कुछ को कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, आप टेंशन मत लो. 40 मार्क के लिए अपन ने 250 क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास में, 150, और इसमें 10-12 हर सेशन में. तो 40 मार्क्स के लिए 270 क्वेश्चन्स, मोर देन इनफ है ना, मतलब इसके और कुछ अभी आएगा नहीं, मोर देन इनफ है, आप टेंशन ही मत लो. चलिए प्रश्न क्रमांक 6, थैंक यू सो मच ऑनलाइन. एक्स वाई जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग मशीन, इट हैज मेड सिविल कंस्ट्रक्शन इन अ फैक्ट्री. अच्छा, अभी यह है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए सेक्शन आपको पता होना चाहिए 17(5)(c) & (d). अपन ने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लिया था क्लास में. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है तो क्रेडिट मिलेगा. बाकी किसी भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड उसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, वो खर्चा रेवेन्यू है तो भी मिलेगा, कैपिटल है तो भी मिलेगा. लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जो सिविल स्ट्रक्चर हो रहा है वो कैपिटल है तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू है तो मिलेगा. मैंने आपको बिल्डिंग का पेंट का एग्जाम्पल दिया था, बिल्डिंग रिपेयर का एग्जाम्पल दिया था. तो बस 4 चीज़ें ध्यान में रखना है. पहला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में आता है ना. लेकिन वो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. एंड अगर प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन है तो वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों केस में क्रेडिट मिलेगा. एंड प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री. तो मैंने बेसिक बता दिया है. बोलो पहला, सीमेंट्स एंड स्टील परचेस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, है ना, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, नो क्रेडिट, खाली प्लांट एंड मशीन का मिलेगा, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज फॉर स्टोरेज टैंक, नहीं मिलेगा. मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा. सी, खाली प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा ना, स्टोरेज टैंक या प्लांट एंड मशीनरी क्या, पानी का टंकी है उसमें आएगा क्रेडिट. एंड सीमेंट एंड स्टील परचेस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मशीनरी मिलेगा. तो व्हाट इज द आंसर, ओनली 40,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा, है ना. स्टोरेज टैंक का क्यों नहीं मिलेगा बताओ, इट्स नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी. वो तो स्टोरेज टैंक मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया ना, फिर वो पानी का टंकी क्या है, वो स्ट्रक्चर ही है. हाँ, ऑनलाइन क्लियर है क्या बताओ. तो व्हाट इज द आंसर, 40,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा. कितना मिलेगा, 40,000, करेक्ट. वैभव, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन क्लियर है, फटाफट रिप्लाई करो सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, ये अपन ने क्लास में किया था. बताओ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, कौन सा क्रेडिट मिलेगा. नॉर्मल लॉस का क्रेडिट मिलेगा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. एग्जाम्पल दिया था इवेपोरेशन, चाय बनाते समय कुछ तो कुछ तो क्वांटिटी कम होना कन्फर्म है. लेकिन एबनॉर्मल लॉस मतलब मेरी निग्लिजेंस की वजह से, मैंने उसको बराबर मटेरियल को हैंडल नहीं किया, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो नॉर्मल लॉस ITC अवेलेबल, एबनॉर्मल लॉस ITC नॉट अवेलेबल. कंसाइनमेंट ऑफ 1,000 kg ऑफ इनपुट वॉज रिसीव्ड, GST ऑफ 5% पेड एज पर इनवॉइस वॉज 10,000.
While the inputs in transit, 100 kg were destroyed and it was found that these were not usable. State the eligibility of ITC. What will be your answer if goods are lying in stock were damaged and it was found that these inputs were not able to use? Online clear hai kya? Okay, chalo. Bolo kya abhi? Abhi 100 kg ka jo loss hua hai na, bas aapko dekhna hai wo normal hai ya abnormal hai. अच्छा, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है? अपन ने डिस्ट्रॉय किया ना वो, तो ये नॉर्मल लॉस हो सकता है क्या? क्या होगा? ये एबनॉर्मल लॉस होगा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, है ना. अपन डिस्ट्रॉय करते मतलब क्या, खराब हो गए ना गुड्स. अपन सब्जी खराब हो गई तो अपन डिस्ट्रॉय करते कि नहीं, तो वो क्या नॉर्मल लॉस थोड़ी है. अच्छा, एंड स्टॉक में डैमेज हो गया. सी, स्टॉक में डैमेज हो गया किसकी गलती? अपनी गलती ना. सो डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज, बताओ ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, तो आपको दोनों केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपको दोनों केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा, बराबर है. सो लिखो क्वेश्चन नंबर 7. उसमें पहले क्या लिखना है? नो आईटीसी ऑन स्टॉक. पहले क्या बोला है? डिस्ट्रॉयड. एंड दूसरा डैमेज, है ना. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है. ये एबनॉर्मल लॉस है. वेरी गुड शिवानी, तरुषी, थैंक यू सो मच. अच्छा, सपोज मैं आपको पूछता हूं कि अभी बताओ मिलेगा कि नहीं. मैंने रॉ मटेरियल 100 किलो डाला मशीन में और आउटपुट 98 किलो आया. 2 किलो प्रोसेस लॉस है. कैन यू अवॉइड इट? नो, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा. मैंने क्लास में कहा था शर्ट सब बना रहे, शर्ट में कटिंग होगा कि नहीं, वो नॉर्मल लॉस है. कैन यू अवॉइड दैट? नो, तो उसका क्रेडिट मिलेगा आपको. तो जो लोग रेडीमेड शर्ट्स बनाते हैं, ये शर्ट्स बनाने के लिए जो कपड़ा कट होता है बचा हुआ फैब्रिक, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा. उसको कुछ चैलेंज ही नहीं कर सकते ना. लेकिन कपड़ा जल गया तो नहीं मिलेगा. ऑनलाइन सबको क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच. क्वेश्चन नंबर 8. कृष्णा मोटर इज अ कार डीलर ऑफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी. इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ कार सोल्ड बाय इट एंड ऑफ ऑल्सो अदर कार. मतलब ये कार डीलर भी है और मेंटेन भी कर रहा है. इट सीक्स योर एडवाइस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंस इंकर्ड बाय इट ड्यूरिंग द कोर्स और. हाँ, अभी जरा लॉजिक समझना प्लीज. ये 17(5)A अपन ने पढ़ा था, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है. मोर देन 13 है तो मिलता है, बट मोटर व्हीकल मतलब ऑब्वियसली लेस देन 13 है. लेकिन तीन केसेस में मिलता है. अगर आपका फर्दर सप्लाई का बिजनेस है, अगर आप कार डीलर हो, या फिर आपका टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, एंड तीसरा कौन सा था? ट्रेनिंग स्कूल. तो बताओ इस बंदे के लिए कार इन द कोर्स और फर्दरेंस है कि नहीं पहले बताओ. है, क्योंकि वो डीलर है, उसके लिए कार खरीदना बेचना ही बिजनेस है, तो उसको क्रेडिट मिलेगा. इससे ही पता चलता है आपको. पहला, कार परचेस फ्रॉम मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई. टू ऑफ सच कार्स आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्ट ड्राइव बाय पोटेंशियल कस्टमर. ओके. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन इन कार वॉशिंग शेड इन इट्स प्रीमाइसेस. ठीक है, तो नाउ अभी ध्यान से सुनना. तो इसमें क्वेश्चन 8 में कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 17(5)(a). ब्लॉक क्रेडिट में कौन सा अप्लाई होगा? 17(5)(a). वो क्या बोलता है? कि मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 3 केसेस. पहला, फर्दर सप्लाई है तो मिलेगा. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, एंड तीसरा कार ड्राइविंग स्कूल. तो बताओ ये कार डीलर है, कार डीलर के लिए कार बेचना फर्दरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा. तो फर्स्ट ये तो कन्फर्म है कि उसके लिए कार फर्दरेंस है, तो क्रेडिट मिलेगा. लेकिन वो क्रेडिट एलिजिबल भी होना चाहिए. अभी बोलो, पहले क्या बोला है? कार यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, तो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा ना. हाँ, अभी इसमें से क्या दिया है बोलो. दूसरा, लेकिन जो डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब अपन टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, अपन ने गाड़ी का ताकत चेक करना था, इसलिए अपन ने बिल्डिंग को बिल्डिंग में घुसा दिया उसका कैपेसिटी चेक करने के लिए. ठीक है, तो बोले ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है. तो जो कार परचेस किया उसका मिलेगा,
लेकिन जो कार डिस्ट्रॉय किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो कार परचेस किया है उसका मिलेगा, लेकिन जो कार उसका नहीं मिलेगा। क्यों? कौन सा लॉस है ये? एबनॉर्मल लॉस है। तो परचेस का मिलेगा क्योंकि इस बंदे के लिए कार ही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। एंड दूसरा कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कार वॉशिंग शेड। अच्छा, शेड बन रहा है मतलब बिल्डिंग ही बन रहा है ना, है ना? कार वॉशिंग शेड बन रहा है, मशीन की बात नहीं हो रही है। कार वॉशिंग मशीन के लिए जो फाउंडेशन क्या उसका मिलेगा। शेड मतलब क्या बताऊं? ये पतरे का शेड या सीमेंट का होगा कि नहीं? ये भी सिविल कंस्ट्रक्शन ही है, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो कार वॉशिंग मशीन है उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? यस, ये मशीन इंस्टॉल करने के लिए फाउंडेशन बनाया उसका भी मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, तो कार वॉशिंग शेड का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन समझा सबको? फटाफट रिप्लाई करो। ओके, चलो नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑनलाइन रिप्लाई करो फटाफट। हाँ, हो गया सवाल? ऑनलाइन आंसर भेजेंगे क्या? पहला, एबीसी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी। ओके, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर परचेस किया, मिलेगा? यस। ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मिलेगा? रॉ मटेरियल का मिलेगा। कॉन्फेक्शनरी मतलब खाने की चीजें, नो आईटीसी। तो इसका टोटल लो तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 20 हजार। ऑनलाइन आंसर दो, पहले तीन का मिलेगा बाकी नहीं मिलेगा। शायद अपन ने क्लास में सॉल्व किया था कि अलग किया था क्या? मेरे को ऐसे लग रहा है किया था क्या? मेरे को ऐसा लगा कि किधर तो भी किया है। गौतम, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन आपके लिए। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइंग मशीन। द कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर के हिसाब से सब सोचना है। चलो 2 मिनट देता हूँ, आप 1 मिनट सोचो। ब्लॉक क्रेडिट सामने रखना है, बस खत्म। ऑनलाइन सब आंसर दो।
गया। चलो पहला एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, अपन ने पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट में, एंड में देखो गिफ्ट फ्री सैंपल डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लब मेंबरशिप का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। परचेस ऑफ मैक्सी कैप, मैक्सी कैप मतलब लेस देन 13, अपन ने एग्जम्पशन में पढ़ा था मैक्सी कैप मतलब 7 to 12 ऐसा कुछ तो पढ़ा था, देखो याद है क्या आपको, तो 13 के ऊपर है तो मिलेगा। अब ये 13 के अंदर है, 13 के अंदर है तो तभी मिलेगा इफ इट इज फॉर 3 स्पेसिफाइड पर्पज। इसमें से कुछ भी पर्पज है क्या ये? नहीं है। इज इट स्पेसिफाइड पर्पज? नो। ये उसका बिजनेस है क्या? नहीं। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है क्या? सी एम्प्लॉय को लेके जाना थोड़ी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। तो ये क्या मिलेगा बताऊं, सोच के बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय मैक्सी कैब नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग क्या करते बताओ, तो इसमें थोड़ा डाइसी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे ब्लॉक क्रेडिट में एक्सेप्शन में क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का एक्चुअल मीनिंग टूर्स एंड ट्रेवल्स ही है, बट मैंने देखा है काफ़ी लोग एम्प्लॉय को ले जाने के लिए जो गाड़ी लेते हैं ना उसका भी क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो इट माइट हैपन दैट आपको इसका आंसर किसी बुक में यस मिल जाएगा, बट ये थोड़ा डाइसी मामला है, ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यू माइट फाइंड टू आंसर्स। इसका इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट का वही है कि जो टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं उनको मिलना चाहिए, पर सब लोग क्या करते हैं, अभी इसमें देखो उसमें क्या लिखा है, पैसेंजर बोला है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एम्प्लॉय पैसेंजर है क्या? तो आइडियली अपन ने क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहिए, बट मैंने काफ़ी सारे ऑडिट में देखे हैं लोग क्लेम करते हैं, है ना, मतलब उसमें थोड़ा डाइस है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी देखा है प्रैक्टिकली, पीपल आर क्लेमिंग इट, बोलते सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लिखा है सर, पैसेंजर में तो एम्प्लॉय भी आते हैं। मैंने बोला भाई पैसेंजर उसी के होते हैं जिसका ट्रैवल्स का बिजनेस है, नहीं परचेस हो कुछ भी हो ना, अल्टीमेटली जीएसटी की बात हो रही है, तुम रेंट पे लो या परचेस करो जीएसटी की बात, तो इसका क्रेडिट आपने क्लेम नहीं करना चाहिए, बट इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग क्रेडिट क्लेम करते हैं, बट आप एग्जाम के हिसाब से मत क्लेम करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बोला है, बताओ पैसेंजर का एम्प्लॉई नहीं है तो वो ऐसा है, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। देन इसका भी नहीं मिलेगा, ये तो गिफ्ट है ना, न्यू ईयर कैलेंडर गिफ्ट है ना, कॉम्प्लीमेंटर मतलब क्या गिफ्ट है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आरओ ट्रीटमेंट प्लांट, अब इसका बिजनेस है डाइंग मशीन का, है ना, तो पानी लगता है ना इसको, डाइंग मतलब पता है ना आपको, कपड़ों को कलर करते वगैरह, वही है ना डाइंग मतलब, तो पानी लगता है ना उसके लिए, तो ये मतलब ये पार्ट ऑफ, ये स्टोरेज टैंक नहीं है, आरओ वाटर ये मतलब ये उसका प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ पर ITC मिलेगा। प्लांट बोला है ना एरो ट्रीटमेंट प्लांट, स्टोरेज टैंक नहीं है, प्लांट बोला है, तो इसका आपको ITC मिलेगा। तो कहाँ पे आंसर गलत अपना मिसमैच हो सकता है, 70,000 पे देर आर डिफरेंट ओपिनियन, तो मेरा काम है आपको बता कर रखना, क्योंकि आप अलग अलग मटेरियल रिफर करते हैं, सो यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, आइडियली क्लेम नहीं करना चाहिए, बट स्टिल बोलते कि सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में एम्प्लॉय भी आते हैं, दैट इज नॉट द रियल इंटरप्रिटेशन। अब उसमें अमेंडमेंट आने वाला है जल्दी ही, बस मैं वेट कर रहा हूँ अमेंडमेंट आने के लिए। चलो नेक्स्ट, ये मैन्युफैक्चर है, अक्टूबर का आपको डेटा दिया है, फटाफट बताओ कौन सा ITC मिलेगा, इट परचेज फॉलोइंग गुड्स, चलो फटाफट। लैपटॉप यूज इन द फैक्ट्री मिलेगा, मिलेगा ना लैपटॉप का, क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है। लैपटॉप फॉर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलेगा, फैक्ट्री का मतलब बिजनेस का है। टेम्पो कैरेज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ इनपुट्स मिलेगा, इनपुट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर पर्पज अदर देन बिजनेस मतलब पर्सनल पर्पज है नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू SEZ मिलेगा, मिलेगा ना, जब SEZ को सप्लाई करते तो उस पर GST नहीं आएगा, लेकिन इनपुट्स का मेरे को क्रेडिट मिलता है। मशीनरी परचेस ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम इंक्लूडिंग ITC, ITC पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया है नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स यूज एज अ पार्ट परचेस फ्रॉम
कंपोजिशन डीलर तो बिल पे जीएसटी लगाते ही नहीं है, तो क्रेडिट मिलने का सवाल इस पैदा नहीं होता है। तो एक, दो, तीन, तो टोटल बताओ इतना ही क्रेडिट मिलेगा ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। 260, चेक करो एक बार, तो उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जब आपको सॉल्व नहीं करना है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है, गलत क्वेश्चन दे दिया गलती से, वो आपको है नहीं, रूल आपको है नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है, सो डोंट वरी, अपने को सॉल्व नहीं करना है ना। बाकी 11 क्वेश्चन समझ में आ गए, सब क्लियर है भाई? ITC कैसे सोचना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया? चलेगा इस, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अपना ITC पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है? बोलो ऑनलाइन आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। तो GST के जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक थे, हर एक का रिविजन मैंने ले लिया है। नेक्स्ट वीक से अपन DT स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक DT का चैप्टर 1 और 2 रेसिडेंट स्टेटस, उसके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, सो ऑनलाइन थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी क्लास में अनाउंस करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। ऑनलाइन ऐसे क्वेश्चन इनफ है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है ना। चलो थैंक यू, बाय बाय।